सीएए के समर्थन में उड़ाएं पतंग। शहर के बुद्धिजीवियों ने पतंगबाजी कर दिया एकता का संदेश। करनाल जिले की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक और औद्योगिक संस्थाओं ने आज बसंत पंचमी के उत्सव पर पतंगबाजी कर पूरे देश को एकता का संदेश दिया। इस उत्सव का आयोजन बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सेक्टर 12 स्थित गोल्डन मोमेंट्स के परिसर में किया गया। इस उत्सव के आयोजक आकाश भट्ट ने सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ने आज एकजुट होकर देश की एकता व अखंडता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि देश को सीएए बिल की आवश्यकता थी, जिसे पूरे देश में लागू किया गया है। इस बिल के विरोध में जो लोग आवाज उठाते हैं, वह कभी देश हित और देश के लोगों के हित की नहीं सोच सकते। उन्होंने आह्वान किया सभी को राजनीति से ऊपर उठकर सीएए का समर्थन करना चाहिए। यह बिल हमारे देश के लिए और हमारे भविष्य के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो लोग सीएए की आड़ में देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। देश के जागरूक नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम भारत सरकार और देश के सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय का समर्थन करते हुए अपनी बात उन अराजक लोगों तक पहुंचाएं जो सीएए का विरोध करते हैं। समर्थन किया पतंगबाजी करके, क्या कहेंगे? ये जो सीएए के समर्थन में ये प्रयास किया है बसंत पंचमी पे, जो हम लोग पतंगे उगाएंगे, ये जब पतंगे कट के लोगों के पास जाएंगी, वो भी इसको पढ़ेंगे कि करनाल के लोग सीएए का समर्थन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इससे पहले भी कई बार प्रयास हुए हैं और आपने देखा है कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। परंतु जो लोग विरोध नहीं कर रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस चीज़ के जो विरोध कर रहे हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं। वो दुनिया, सारी दुनिया जो है इसके पक्ष में है, और क्योंकि लोग कामकाज में बिजी रहते हैं, इसलिए इनका आह्वान किया गया था और लोगों को बता रहे हैं क्या चीज़ है। कितनी सामाजिक संस्थाओं ने आज हिस्सा लिया है? आज लगभग 30-35 सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। सर, चाइनीज डोर पर क्या कहेंगे? चाइनीज डोर जो है ये प्रशासन को ही उपलब्ध ही नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो डोर चाहिए ही चाहिए। वो तो जैसे पतंग उड़ाते हैं, तो जो चीज़ उनको बाज़ार में उपलब्ध होगी वो लेके आएंगे। इसको तो शुरू में ही जब्त कर लेना चाहिए। जो मोटिव सीए के समर्थन में, हम सभी करनाल के सामाजिक और धार्मिक और व्यवसायिक औद्योगिक किसी भी प्रकार की जो भी संस्था, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, चाहे वो जातिगत संस्था ही क्यों ना है, वो सभी संस्थाएं आज एक जुट हुई हैं और यहाँ सेक्टर 12 में गोल्डन मोमेंट्स के बाहर हम लोग खड़े हैं। बहुत लोगों का उत्साह है और आज पतंगबाजी हम लोग कर रहे हैं। केवल पतंगों पर एक स्लोगन लिख के सब लोगों पर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम लोग सीए के समर्थन में हैं। हमारे साथ करनाल की लगभग सभी संस्थाएं हैं और सभी का समर्थन है। राष्ट्र विरोधी ताकतें तो लगी हुई हैं अपनी जगह पे, जो उन्होंने काम करना है, लेकिन उनको जवाब देते हुए हमारा केवल इतना उत्तर है कि हम सीए के समर्थन में, जो सरकार ये बढ़िया काम कर रही है उसके पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हमारे साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के, पतंजलि परिवार के, ब्राह्मण कल्याण मंच के, अधिवक्ता परिषद के और आर्य केंद्रीय सभा के, ये सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। और आप उनसे बात करना चाहें तो आप उनसे बात करें, उनसे पूछें कितना समर्थन वो करते हैं। बोर्ड लगा हुआ है नागरिक जो सीए पाकिस्तान, बंगला, अफगानिस्तान, अल्पसंख्यक जी क्या हिंदुस्तानी जो वहाँ रहते अल्पसंख्यक है? हिंदुस्तानी वहाँ रहता ही नहीं भाई, जब कोई भी हिंदुस्तान पहले एक ही था। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, मैं बता रहा हूँ जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो जो भी वहाँ के देश थे, एक नेहरू लियाकत संधि हुई थी कि जो लोग वहाँ के आज के समय में अल्पसंख्यक हैं, जो वहाँ रह गए तो वो बिल्कुल ठीक ठाक रखे जाएंगे, खुश रखे जाएंगे, उनका किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं होगा, ऐसी एक नेहरू लियाकत संधि हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू बेशक मेजोरिटी में है और माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक मुसलमान है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान आज फल फूल रहा है। और बाहर के देशों में मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम देश है, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो वो क्या कारण हुई है, आप स्वयं मीडिया वाले, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है। तो हमारा केवल इतना ही आग्रह है, और जो सरकार ने किया 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो भी भारत के अंदर आ चुका है, जो भी धार्मिक रूप से आया हुआ अल्पसंख्यक है, जिसमें हिंदू, जैन, पारसी, सिख कोई भी है, जो उन देशों में माइनॉरिटी है, हम उन लोगों को सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार ने बनाया है उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। वो हिंदू ही है, यदि हिंदू का आज कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है किसी प्रकार से, किसी जैन समाज के व्यक्ति का हो रहा है, किसी का भी हो रहा है उनको माइनॉरिटी वाले का, और वो अपने हिंदुस्तान देश में नहीं आएगा और कहाँ जाएगा भाई साहब।